हमारी आपकी गाड़ी जिसे चला चला के हम अपनी प्यारी मानने लगते हैं, लेकिन जब वो कबाड़ के लिए जाती है तो उसका होता क्या है? और मात्र 3 घंटे के आसपास में वो पूरी डिसमेंटल हो जाती है। जहाँ डिसमेंटल होती है वहाँ पर हम हैं इस समय, और आपको पूरी प्रोसेस दिखाएंगे कि किन स्टेज से गुजरती है और गाड़ी बाद में एक डिब्बे के रूप में सामने आ जाती है। हम इस समय MSTI की फैक्ट्री में है, जहां गाड़ी डिसमेंटल होती है, कबाड़ के रूप में स्क्रैप बन जाती है। चलिए आपको दिखाते हैं। So simply put, we receive the car by towing vehicle, checking the radioactive, no problem. We scale the material, how much has the weight of it is, and also we check that there's no oil leakage, etc. Once we check everything's okay, we store the storage place, and we making some how we need to do that, the procedure seat. This material need to be damaged, or etc. Then once I approved, it's going to our process. So first we're taking out that is a tire, engine oil, gasoline, freon gas, lead acid battery, the sum of the material which may cause that the pollution. We're taking it fast, make sure that there's no any pollutions. Once we're taking out those material, we go to the dismantling process. Dismantling process, we're taking out the outer body, inner body, wire harness, then we go to the scissor lift operation. We're taking out the engine, transmission, then finally we go to what we call the miscellaneous station. We're taking out all of the material and make it just a steel, almost 100% just a steel will remain. Then we go to the bale process. Then we bale it, process a cubic, then that one going to the steel mill directory. So we don't have any additional middleman. We process, dismantle, go to the end user, what we call. एक कार आपके पास आती है, तो कैसे आप डिसाइड करते हो कि इसका कितने रुपए मिलना है और कस्टमर को क्या का कोई क्राइटेरिया होगा ना, कितने रुपए मिलना है क्या नहीं है? ये सब कुछ डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है, कंडीशन क्या है, किस मॉडल की गाड़ी है, क्या मेक है, ऑल डिपेंड्स ऑन दिस कंडीशंस वी फिक्स द प्राइस। जैसे ये कार आई है, आप इस कार को डिसमेंटलिंग के लिए ले जाया जा रहा है, इस कार के कितने हो सकते हैं? ये जो कार दिखाई दे रही है, ऑल डिपेंड्स ऑन व्हीकल टू व्हीकल, कहाँ से लोकेशन हमने पिक किया है। हाँ। तो सब कुछ उस पे डिपेंड करता है। इट्स नॉट अ फिक्स्ड प्राइस। मोटा मोटा एक आप रेंज की बात करें तो इन बिटवीन वी स्टार्ट फ्रॉम 20,000 टू 50,000, 70,000, 80,000, सो इट्स नॉट अ फिक्स्ड। फिक्स नहीं है। यस। तो वो कस्टमर को मिलेगा। हाँ, वो कस्टमर को मिलेगा। ये जरूरी क्यों है? पर कोई कार वैसे ही खड़े खड़े डिजेनरेट हो जाती है, धीरे 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 उसमें जंग लग जाता है, आदमी फेंक देता है, फिर कहीं इधर उधर वो किलो के भाव से बेच देता है। पर आपके जैसे इतने बड़े प्लांट में भेजने के क्या उसको फायदे हैं, या क्यों क्यों भेजे वो? उसको फायदा है, एक तो उसको स्क्रैप वैल्यू मिलेगी, एक पीस ऑफ माइंड होगा कि उसकी उसका व्हीकल एक सेफ हैंड में जा रहा है, प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ हो रहा है, एंड एस कंपनी के पास जा रहा है जो एनवायरमेंटली उसको प्रॉपरली तरीके से डिस्पोज ऑफ कर रही है, एनवायरमेंट को टेक केयर कर रही है, जो भी मटेरियल है उसको प्रॉपरली रिसाइकल कर रही है, और हम लेबर्स को भी टेक केयर करते हैं एक मटेरियल का हो गया तो, और जब हम सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं उसके बेसिस पर इंसेंटिव्स भी क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, कैसे इंसेंटिव्स? जैसे रोड टैक्स में छूट मिलती है, रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलती है, तो इसका भी वो बेनिफिट ले सकते हैं। अगली वाली कार के लिए रोड टैक्स में, नई गाड़ी लेने जब नई गाड़ी परचेज करेंगे तो उस पर वो रोड टैक्स में छूट ले सकते हैं। कितनी देर में ये स्क्रैप बदल जाता है, पूरा जो कार है वो स्क्रैप में बदल जाता है? हमारा अराउंड 200 मिनट्स हम कंसीडर करके चलते हैं, 180 to 200 मिनट्स, ऑल डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द व्हीकल, लेकिन नॉर्मली 180 मिनट्स टू 200 मिनट्स वी कंसीडर। मतलब 3-3.5 घंटे के आसपास? रफली तीन घंटे में। कितनी कारें आप, मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत बड़ा सेटअप यहाँ लगा हुआ है, कितनी कार आप पर डे करते होगे इस तरह? कैपेसिटी इसकी 2000 व्हीकल्स पर मंथ की है, तो ऑल डिपेंड्स ऑन कि जैसे ही वॉल्यूम आ जाते हैं हम इमीडिएटली उसको प्रोडक्शन में हमारे प्रोसेस में ले लेते हैं। वहाँ पर एक कार आ गई है, चलिए देखते हैं जरा कैसे डिसमेंटल होती है। ये कार इधर आई हुई है डिसमेंटल होने के लिए, स्क्रैप के लिए, और ये जो 4 खंभे से लगे हुए हैं, बेसिकली खंभे नहीं है, ये सिग्नल देते हैं कि इस गाड़ी में कहीं रेडियो एक्टिव पदार्थ तो नहीं है। वहाँ से गुजर के आई, यहाँ पर रखा हुआ है इसको, और उसके बाद फिर अंदर जाएगी। अगर रेडियोएक्टिव पदार्थ होगा
तो वो सिग्नल दे देता है, तो पहले ही यहाँ अलर्ट हो जाता है। ये पहली स्टेज आने के बाद में गाड़ी फिर यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर चक्के खोले जाएंगे, ये चक्के, और चक्के खुलने के बाद गाड़ी फिर बिना चक्कों वाली गाड़ी यहाँ इस तरह से, और उसके बाद अंदर जो होगा इसके साथ देखते हैं क्या होगा। कार अंदर आ गई, उसके बाद कार के साथ क्या हुआ, बैटरी निकली। अब बैटरी निकलने के बाद क्या होता है पूछते हैं, अब यहाँ क्या होगा। So after we taking out the battery in this station, what we call that the depollution stations. In here, basically we taking out all of the liquid waste, like gasoline, engine oil, coolant, etc. All of the liquid, some of them we suck it up from the top, and some of them we taking out from the bottom side. So we taking out all of the liquid in here, then go to the next step. ये जो लीकेज का जितना भी ये प्लांट है यहाँ पे, क्या क्या निकालते हैं इसमें से आप? जितने भी फ्लूड हैं, कूलेंट है, ऑयल्स हैं, हम सब तरह के ऑयल्स फ्लूड उसको व्हीकल को डिपोल्यूट कर देते हैं कम्प्लीटली, और उसको सेपरेट करते हैं एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। और इसके बाद फिर क्या होगा? उसके लिक्विड को हम ऑथराइज रिसाइकलर को के लिए को करते हैं डिस्पोज करने के लिए, फर्दर हम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इसको मूव कर देते हैं व्हीकल। यस, सो इन दिस स्टेशन आफ्टर वी कंप्लीट द डिपोल्यूशन स्टेशन बिजनेस, वी टेकिंग आउट द आउटर बॉडी पार्ट लाइक अ बोननेट, door, some other bumper, etc. First station we taking out and put in next station. Then we go to next station, then we taking out the interior parts. Then we taking out the harness, etc. Step by step, we taking out the all parts. Then we make it just the shell body of the steel. That is our process. Car banne mein bahut zyada samay lagta hai, lekin dismantle karne mein, todne mein koi bhi cheez bada kam samay lagta hai. Nirman mein zyada lagta hai, lekin ye देख के वैसे दर्द होता है कभी कभी। जिस गाड़ी को हम चला रहे हैं उसको कभी अगर कोई व्यक्ति देख ले कि मेरी ये वही गाड़ी है, तो बेचारे के दिल में थोड़ा सा दर्द लगेगा, लेकिन ये ज़रूरी प्रोसीजर है। Yes. क्या क्या निकल गया यहाँ पे? यहाँ पर आउटर बॉडी पार्ट्स निकल गए, डोर्स है, फेंडर है, बम्पर्स है, यहाँ निकालते हैं। इसके बाद फर्दर डिसमेंटलिंग के लिए जाता है, उसके बाद हम इंटीरियर बॉडी पार्ट्स निकालते हैं, इसके बाद हम वायर हार्डनेस निकालते हैं, उसके बाद ये फर्दर जाता है सिलर लिफ्ट सिस्टम जहाँ पे इंजन और ट्रांसमिशन मूव करते हैं। यहाँ पर ये जो वायर कट कर रहे हैं यहाँ पर, यस, सो इन दिस स्टेशन वी जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन टेकिंग आउट ऑल द वायर हार्नेस, बिकॉज वायर हार्नेस इज मेड बाय कॉपर, वन ऑफ द वैल्यूएबल कमोडिटी इज अ वायर हार्नेस, सो वी डेजिग्नेटेड दिस स्टेशन फॉर जस्ट टेकिंग आउट ऑल ऑफ द वायर हार्नेस इन दिस स्टेशन। अब यहाँ पे गाड़ी ऊपर हो गई है, यहाँ क्या हो रहा है? So in this station, we taking out the suspension and engine. Those one is we cannot remove it without lifting up. So we lifting up, taking out the bolt, the putting down, the taking out the suspension and the engine in these stations. अब इस गाड़ी में क्या बचा है देख सकते हैं आप। स्केलेटन पूरा दिख रहा है और यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये विंडशील्ड जरूर है और अंदर तो कुछ भी नहीं है, केवल बॉडी दिखाई दे रही है। अब ये शीशे निकाले जा रहे हैं, ये देखिए इधर, ये जो गाड़ी है इसका शीशा निकल जाएगा और निकलने के बाद में सारे शीशे यहाँ पर रख दिए जाएंगे। ये देखिए इतने सारे शीशे रखे हुए हैं यहाँ पर, और उसके बाद में सारे स्केलेटन्स गाड़ी के ये पड़े हुए हैं, अंदर के सारे मामला सब खाली है, और ये अब जाएगा अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। अब ये पंजा आ गया, गाड़ियों के लिए गाड़ी उठाई जाएगी और फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचाया जाएगा। छूट गई गाड़ी उसके अंदर। गई गाड़ी डिब्बा बनने।
अब ये प्रोसेस बेलिंग मशीन में कई बार होगा, यहाँ पर उसकी तह बनाई जाएगी और एक छोटे से डिब्बे के रूप में बाहर दिख रहे हैं हमको कुछ डिब्बे, वहाँ डिब्बा बन के पहुँच जाएगी। यहाँ कार आई थी और ये हमको लग रहा है ये कार, ये क्या डिब्बे डिब्बे से निकल रहे हैं? ये बेल बन रहा है, ये स्केल्टन का एक बेल बना है जो ये फर्दर स्टील मिल में जाएगा रिसाइकलिंग पर्पस के लिए। ये डिब्बे क्या वही कार है जो अंदर गई थी? हाँ ये वही कार है जो देखिए। हमने देखा ये पंजे वाली मशीन एक्सेवेटर आई, एक स्केलेटन उठाया डाला और ये डिब्बे निकल आए, तो फाइनल प्रोसेस है ये? यस, दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट। एज यू सी दिस इज अ प्योर स्टील, सो वंस वी डिसमेंटल दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट एंड वुड हैव बी को बिकम दिस वे एंड वी कैन दिस वन ब्रिंग बैक टू द स्टील मिल। स्टील मिल मेल्टेड अगेन मेकिंग अ स्टील, द स्टील कम बैक टू अगेन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। सो वी बिलीव एंड वी प्राउड ऑफ दैट, वी आर द वन ऑफ द पार्ट important part to achieve circular economy here. ये कितने किलो का होगा? Around that is 250 kilogram to 400 kilograms. और ये कितने में recycle होगा? How much will it? How much you can get it? Depend on the market. Let's say the how to say that? Depend on the steel market. Some of them that is let's say the 30 per kg or 40 per kg, so that depends on the market. India is importing this material around 7 million tons per year from the outside of the country. So once we expand this business, I believe that India can reduce importing amount from outside. So again, the prices depend on the market, but surely always India has demanding this material. ये स्टील है और किलो के हिसाब से बिकेगा, ये बता रहे हैं कि इंडिया में इसकी बड़ी डिमांड है और 7 मिलियन टन इंपोर्ट होता था, अब यहाँ पर भी बनने लगा है, इसका मतलब उतना इंपोर्ट तो कम हो जाएगा। कार का आना जाना तो लगा रहेगा, एक बार फिर से पता कर लेते हैं कि कोई कस्टमर कैसे ये डिब्बे में अपनी कार को बना सकता है, कैसे अप्रोच करें? यू कैन कॉन्टैक्ट टू द msti.co.in, एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट दैट एड्रेस। कोई नंबर? हाँ, व्हाट्सअप नंबर है 8448223530, टोल फ्री नंबर है 1800419 3530, सो एनी पर्सन कैन कॉन्टेक्ट टू अस एनी ऑफ द मीन और मोर। थैंक यू। डिब्बे बनाना हो आ जाओ। ये स्टील के डिब्बे क्यूबिक्स, ये एक कार हैं, ये क्यूबिक्स रखे हैं डिब्बे, और ये डिब्बे दरअसल कार हैं, काले सफ़ेद नीले भी अलग अलग रंगों के ये कार ही हैं जो डिब्बे में आ गए हैं। ये रिसाइकलिंग के बाद में ये डिब्बे नुमा शक्ल में आ जाते हैं, ये वैसे ज़िंदगी का चक्र बताते हैं हमें, जो आया है वो जाएगा और फिर से आएगा, क्योंकि ये भी रिसाइकल होने जाएंगे, इसका स्टील बनेगा और फिर वो स्टील दोबारा से किसी कार के बनने में काम आएगा। ये प्रोसेस चलता है, ये प्रोसेस संसार का भी यही प्रोसेस है।